गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक हो और आप सबको हैप्पी वैलेंटाइन डे। तो आज का दिन तो बहुत ही खूबसूरत होगा क्योंकि चारों तरफ प्यार का माहौल है। आज सबके सोच में प्यार है ना? तो चलिए करते हैं शुरुआत फिर से एक नए दिन की, मेरे साथ, मेरे छोटे छोटे मोमेंट्स के साथ जो मैं करूंगी शेयर आपके साथ। तो बने रहिए मेरे साथ। अभी सुबह के 6:30 हुए हैं। मैं उठी थी 6 बजे और जाके फ्रेश हुई, ब्रश व्रश किया और कल मेरे हस्बैंड का बर्थडे था तो भी हमने अच्छी तरह से मनाया। रात को बाहर गए थे खाने के लिए और आज है वैलेंटाइन डे। देखिए कैसे हरियाली है चारों तरफ। इसलिए मुझे यहाँ सुबह सुबह खड़ा होना अच्छा लगता है। मैं आ गई हूँ किचन में और बन रहा है आलू की भुजिया और चपाती। मिथिलेश जी लंच घर से लेके जाते हैं ना ऑफिस में, इसके लिए जल्दी जल्दी तैयारी कर रही हूँ। मिलती हूँ बना के, दिखाती हूँ आलू का भुजिया। हाँ यहाँ मैंने आटा गूंथ के रख लिया है चपाती के लिए और ये बन सके आलू की भुजिया। लंच मिथिलेश जी लेके जाएगा ऑफिस के, उन्हें रेडी कर दिया है और रख के दिया है। अभी इसको ना इस बैग में डालना है। दिन के 2 बजे हुए हैं और आज बादल बादल सा है, अच्छा लग रहा है ठंडा ठंडा। बालकनी से ही मतलब बालकनी से ही घूमने का मजा आ जाता है। नहीं बाहर जाने से तो और भी अच्छा लगेगा बट बालकनी में थोड़ी देर रहो ना तो अच्छा लगता है। इसमें ना पूरा रॉड है तो कहीं भी दीवार नहीं है सामने से ना, तो लगता है कि बाहर ही खड़ी हूँ।
ऐसा फीलिंग होता है। और मैंने खाना वाना खा लिया, खाना वाना खा के सो गई थी जाके। फिर अभी आई देखने क्या हालचाल है। फिर माइक नहीं लगाया, यहाँ से ना वो आवाज आती है रेस्टोरेंट से, चिमनी की आवाज आती है, उनके किचन में जो चिमनी है ना उसकी आवाज आती है। अब जा रही हूँ, थोड़े कुछ काम है किचन में करके आती हूँ। शाम के 5 बज गए और मैंने बना ली अपनी चाय। अब मैं थोड़ी देर बैठ के इसे पीऊंगी, मिलती हूँ पी के। शाम हो गई और मेरी बालकनी के नीचे ना चहल पहल बढ़ गई है, अभी दिखाती हूँ। जब बालकनी में बैठती हूँ ना, एक से एक कार देखने को मिलता है मुझे। मुझे कार पसंद है, एक से एक कलर, एक से एक डिजाइन, एक से एक महंगी वाली कार, से छोटी छोटी कार, लंबी लंबी कार, सब देखने को मिलता है। तो मैं देख के बहुत एंजॉय करती हूँ। अब मैं जा रही हूँ किचन में, शाम नहीं रात का डिनर तैयारी करने। आज बनेगी पंपकिन की सब्जी, वो मैं जा रही हूँ बनाने। और आटा गूंद के रख दूंगी, चपाती गरम गरम बनाती हूँ खाते वक्त, वो अच्छा लगता है। तो चलिए किचन में। होते ना खिड़की बंद कर देती हूँ, क्योंकि ना ये होता है मच्छर आते हैं। देख अभी बंद करती हूँ। ये है पंपकिन, अभी जा रही हूँ इसको कट कर रही हूँ। इसको ना मस्टर्ड वाला बनाऊंगी, मस्टर्ड, लहसुन और हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर। मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती हो ना तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट्स भी कीजिए, है ना। इसमें मसाले डाल दिए हैं, अब इसको ना थोड़ी देर फ्राई करूंगी मैं। थोड़ा फ्राई करके इसमें पानी डाल दूंगी, फिर जब ये पंपकिन पक जाएगा ना, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा, तो गैस ऑफ कर दूंगी। ये देखिए चांद, शाम हुई और चांद दिखने लगा। 6 बजे हैं, हल्का हल्का अंधेरा हो गया, चांद दिख रहा है।
सब्जी चढ़ा दिया मैंने, सब्जी बन रहा है और मैं आकर फिर से यहाँ बैठ गई बालकनी में। 7 बजे तक मिठाई जी आएंगे। ये है हमारा डिनर, सिंपल वाला, चपाती है पम्पकिन की सब्जी, चावल चावल। मिथिला जी दोपहर पर चावल नहीं खाए ना, तो वो खा रहे हैं, मैं तो खाई हूँ। कैसा बना पम्पकिन? हाँ, अपना अपना जो वहाँ का देसी पम्पकिन होता है ना, उसका टेस्ट अलग होता है और इसका टेस्ट अलग होता है। यहाँ के कटहल भी अलग होते हैं मद्रास के ना, और हमारे बिहार का देसी कटहल अलग होता है। हाँ, टेस्ट भी फर्क आता है। अभी रात के 9 बज गए हैं और मैं जा रही हूँ सोने। होप कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू ब्लॉग में।